आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइज्ड किचन कितना जरूरी है? इससे ना किचन में खाना बनाना और काम करना दोनों ही आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार हमारे बिजी स्केड्यूल्स के चलते किचन क्लटर्ड हो ही जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे किचन ऑर्गेनाइजर्स शेयर करूंगी जो आपके किचन को तो ऑर्गेनाइज रखेंगे ही, साथ ही ये सभी बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है और किचन में आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को और भी एंजॉयबल बनाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इनिशियली जब हमारा मॉड्यूलर किचन नहीं बना था, तब गैस स्टोव के पास एक ये टू टियर रैक और ये एक व्हाइट मेटल की ट्रे थी, जिसमें लगभग वो सारी चीजें थी जो खाना बनाने के लिए डे टू डे यूज होती है। मॉड्यूलर किचन बनने के बाद गैस स्टोव जो है वो थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो गया और स्पेस भी कम हो गई, तो इस कम स्पेस में मैं ये वाली जो टू टियर रैक थी ये ही रख पाई। सामान तो अच्छे से सब आ गया था, बट स्पेस कम होने से और ये जो रैक है उसकी विड्थ ज्यादा होने से इसमें सामान को रखना और निकालना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने एक ये नया ऑर्गेनाइजर लिया। ये भी एक टू टियर शेल्फ ही है, प्योर स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है और इसकी चारों लेग के लिए ये ग्रिप भी आई है, जिससे इसे इजीली मूव किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग शेल्फ को हटाकर पूरे कॉर्नर को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है और अब इसमें ये नई वाली स्टील की शेल्फ प्लेस कर रही हूँ। ऊपर मैंने सारे टी शुगर कंटेनर्स रखे हैं और इनके पीछे थोड़ी सी और स्पेस थी, तो इसलिए वहां पर कुछ ग्लास बॉटल्स रख दी है। साथ ही मैं रखा है एक मनी प्लांट ग्रीनरी ऐड करने के लिए। नीचे की तरफ स्पाइस बॉक्स और कुछ और एसेंशियल्स रखे हैं। इस रैक की विड्थ कम होने से राइट साइड में काफी स्पेस मिल गई है, तो साइड में ना मैंने एक छोटी सी ट्रे रख दी है और उसके ऊपर सारे ऑयल डिस्पेंसर्स और पीछे की तरफ कुछ हॉटपॉट स्टैंड रख दिए हैं। इस कॉर्नर में सामान उतना ही है जितना पहले था, पर इस अरेंजमेंट से ये सब ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है। चपाती बनाने के बाद अक्सर हम चकला बेलन को या तो काउंटरटॉप पर ही छोड़ देते हैं या कबर्ड में रखते हैं। मेरा जो चकला है वो वुडन है, वॉश करने के बाद ये काफी टाइम तक गीला रहता है, जल्दी ड्राई नहीं हो पाता, इसलिए इसे कबर्ड में रखने की जगह मैं इसे काउंटरटॉप पर ही रखती थी ताकि ये जल्दी ड्राई हो जाए। वाटर डिस्पेंसर के पीछे एक छोटी सी बास्केट रखी थी मैंने, जिसमें ये चकला बेलन आ जाता था। पर इस बास्केट में ना चारों तरफ तो होल दिए हैं, पर इसके बेस में एक भी होल नहीं है, जिससे जो वाटर है वो इसी में कलेक्ट होता जाता था। वुडन चकला होने से ये दिन भर वेट ही रहता था और खराब होने के इसके चांसेस भी थे, इसलिए मैंने लिया ये चकला बेलन स्टैंड। ये भी प्योर स्टेनलेस स्टील का बना है। काउंटर टॉप पर ऑलरेडी काफी स्पेस थी, तो सोचा क्यों ना इसे यूटिलाइज किया जाए। इसमें सारे आइटम्स जो हमें रोटी बनाने के समय लगते हैं उनकी प्रॉपर स्पेस दी हुई है। चकला, बेलन, चिमटा, तवा सब कुछ आने के बाद भी स्पेस थी, तो मैंने इसमें अपना चॉपिंग बोर्ड भी रख दिया है। अब चाहे इसमें गीला चॉपिंग बोर्ड हो या चकला रखे या गर्म तवा, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, इसमें ना हैंग करने का भी ऑप्शन है। अगर आपके काउंटर टॉप पर स्पेस नहीं है तो इसे हम वॉल पर हैंग भी कर सकते हैं, और इस एक छोटे से ऑर्गेनाइजर ने ना मेरा काफी काम आसान कर दिया है। मैं अपने आरओ के नीचे एक वाटर डिस्पेंसर हमेशा रखती हूँ ताकि इससे पानी बार बार लेने में आसानी होती है। इस वाटर डिस्पेंसर को मैंने एक स्टैंड पर रखा था, पर ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और वो शेकी भी था, प्लस किचन एस्थेटिक्स से मैच भी नहीं करता था। Amazon पर सर्च करते हुए मुझे मिला ये मटका स्टैंड। हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और काफी हैवी है। एक्चुअली जब हम मटका या वाटर डिस्पेंसर जब भी हम इस तरह के स्टैंड पर रखें, तो वो जो स्टैंड है वो भी काफी हैवी होना चाहिए ताकि इतने बड़े और फिल्ड कंटेनर का वेट बियर कर सके। इस स्टैंड की हाई क्वालिटी एर्गोनॉमिक डिजाइन परफेक्ट है ज्यादा वेट बियर करने के लिए। अगर आपको ये वाला वीडियो अभी तक पसंद आया है, तो आई एम श्योर आपको हमारे चैनल पर और भी वीडियोस पसंद आएंगे जो सिमिलर टॉपिक पर मैंने क्रिएट किए हैं।
साथ ही आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर तो जरूर से करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यूजुअली हम सब इस तरह की बॉटल्स का यूज करते हैं डिशवॉश लिक्विड रखने के लिए, पर इसे डायरेक्ट स्क्रबर पर लेने से वेस्टेज ज्यादा होता है, और अगर एक अलग कंटेनर में लेकर इसे डाइल्यूट करके यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा कंटेनर काउंटर टॉप पर रखना पड़ता है, और साथ ही स्क्रबर के लिए भी अलग से जगह बनानी पड़ती है, जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं था। फिर मैंने इस तरह के डिशवॉश लिक्विड डिस्पेंसर का भी यूज किया था। इसमें हम डाइल्यूटेड सोप रखते थे और जितनी क्वांटिटी चाहिए निकाले और स्क्रबर भी इसके ऊपर ही आ जाता था, पर ओवर द टाइम यूज करते करते ये भी खराब होने लगा था। पर इस बार मैं कुछ चेंज चाह रही थी, इसलिए मैंने ये वाला लिक्विड डिशवॉश सोप डिस्पेंसर ऑप्ट किया। इसके साथ ना एक स्क्रबर भी आया है। इसके लिड हम ओपन करेंगे तो नीचे एक कंटेनर दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी काफी अच्छी है। इसमें लिक्विड डिशवॉश सोप फिल करेंगे, कंटेनर का लिड लगा लेंगे। अब इसका जो लिड है ना वो कुछ इस तरह का है कि वो भी एक छोटे से कंटेनर की तरह काम करेगा। पंप से डिशवॉश लिक्विड इस लिड वाले कंटेनर में निकाल लेंगे। इसे मैं थोड़ा सा डाइल्यूट कर रही हूँ और अब स्पॉन्ज से इजीली इसमें से सोप लेकर हम अपने बर्तनों को वॉश कर सकते हैं और यूज होने के बाद स्पॉन्ज को इसी में रख सकते हैं। इसका यूज करने के बड़े सारे फायदे हैं। सोप डाइल्यूट करने के लिए अलग से कंटेनर नहीं लेना पड़ता, सोप का वेस्टेज भी कम होता है, स्क्रबर को आप वापस इसी में रख सकते हैं और ये बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है काउंटर टॉप पर। वॉश एरिया अलग होने के बाद भी सिंक में अक्सर हमें छोटे मोटे बर्तन वॉश करने ही पड़ते हैं, जिसके लिए हम इस तरह की बास्केट का यूज करते हैं, पर ये राउंड बास्केट स्पेस ज्यादा लेती है और साथ ही ओवर द टाइम यूज करते करते मेरी ये थोड़ी सी टूट भी गई थी। इसके बाद मैंने इस तरह के मैट का भी यूज किया। इस मैट की एब्जॉर्बिंग पावर कमाल की है, बहुत सारा पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और नीचे का जो एरिया है वो भी ड्राई रहता है, पर बर्तनों को ना इस तरह से डायरेक्ट उल्टा रखने से वो अंदर से पूरी तरह से ड्राई नहीं हो पाते क्योंकि अंदर की तरफ कोई भी एयर सर्कुलेशन नहीं रहता है। इसीलिए मैंने सिलेक्ट की ये एक छोटी सी स्टील बास्केट। सिंक के पास के लिए साइज एकदम एप्रोप्रिएट है, साइड में दो हैंडल भी दिए हुए हैं और सबसे खास बात इसमें यह है कि इसमें 4 छोटे छोटे लेग्स दिए हुए हैं जिससे ये फ्लोर पर टच नहीं होती। रेक्टेंगल होने से वॉल पर डायरेक्ट टच हो जाती है, स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करती है। गीले बर्तन भी रखने पर पानी पूरा नीचे ड्रिप हो जाता है, चारों तरफ से एयर सर्कुलेट होने से बर्तन भी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। आजकल इस तरह की बास्केट में नीचे ड्रिपिंग ट्रे भी दी हुई रहती है जिससे ये जो पूरा एक्सेस वाटर है उस ट्रे में कलेक्ट हो जाता है, पर उन बास्केट की कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल है इस वाली बास्केट से। इसके एक्सेस वाटर को रोकने के लिए या तो हम वाइपर का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिश ड्राइंग मैट या कोई भी एक नैपकिन नीचे रख दीजिए ताकि वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर ले। आज जितने भी ऑर्गेनाइजर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो यूजफुल भी है और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी। वीडियो से जुड़े सवाल और सुझावों का मुझे कॉमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।